हेलो जी, वी आर बैक विथ अनदर व्लॉग। आपका भाई पहुंचा हुआ है। किधर पहुंचा हुआ है? चले गैस करें कहाँ पे आया हुआ हूँगा मैं। चले मैं आपको थोड़ा जगह भी दिखा देता हूँ किधर हूँगा, ये देखें। हाँ बिल्कुल, मैं आया हुआ हूँ जी खपलू में। कल रात को ही पहुंचा था, 7 बजे पहुंचा था। और पिंडी से मैं निकला था 21 तारीख के 4 बजे निकला था। फिर मतलब 24 के 25 घंटे मुझे लग गए थे इधर खपलू तक पहुंचने में। और स्कर्दू में मैंने स्टे नहीं किया क्योंकि जो बस थी वो मैं सीधा खपलू के बस में आ गया था। ठीक है, तो बस फिर 9 साढ़े 9 बजे उठा था यहाँ पे। ठीक है, मामू के घर में था तो 9 साढ़े 9 बजे उठा था। फिर नाश्ता वास्ता किया, फिर बैठे हुए थे कब से। फिर अभी कज़नों के साथ प्रोग्राम किया कि कहीं जाते हैं आगे ऊपर खरपो जो और खपलू जो फोर्ट है उधर चलते हैं। ठीक है, और अभी आप टाइम देख सकते हैं, टाइम हो गया जी 2:41 हो गए। और अभी मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ 2-3 कज़न हैं, वो जा रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी जाएंगे वहाँ पे और साथ आपको दिखाते हुए ले जाएंगे हर जगह। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना आपने। ठीक है, और आप लोग चैनल पे नहीं हो तो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, बेल आइकन को लाजमी से जल्दी से प्रेस कर देना। अच्छा, अभी जैसा मैं घर से निकला था तो यहाँ पे जो हमारी बकरियाँ हैं ये बाहर निकली हुई थी, तो इनको अभी घर के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर अभी मतलब जो जगह है उसमें डाल के आ जाएंगे, बस इधर ही डालने ले। और ये मेरा मामू का बेटा शाहिद और ये एक हैदर, तो ये मुझे लेके जाएंगे अभी खपलू फोर्ट पे। ठीक है, या तो ये आप देख सकते हैं अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, यहाँ से कम 3-4 मिनट ऐसे ही मतलब रास्ते होते हैं। ठीक है, उधर पैदल पैदल जाना पड़ता है यहाँ से। फाइनली ये 3 से 4 मिनट चलते रहे, उसके बाद ही अभी रोड पे पहुँचे हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलते हुए जाते हैं। अब बाइक भी नहीं है, बाइक जो उनसे था वो दूसरा जो बड़ा कज़न था वो लेके चला गया, तो अभी मैं पैदल ही जाना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम पैदल जाएंगे तो हमें कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा, लेकिन हम आगे से देखते हैं कोई सीन बनता है तो गाड़ी पे या बाइक पे चले जाएंगे आगे। अच्छा यार, तकरीबन 10 मिनट तो हो गए, 10 से 12 मिनट पैदल ही चले जा रहे हैं आगे। असल में ना इधर क्या है कि यार खाली चढ़ाई है तो वहाँ पे बंदा बहुत जल्दी थक जाता है। अगर सीधी सीधी रोड हो तो इतना नहीं थकता बंदा, इसीलिए अभी खपलू फोर्ट तक जाने के लिए खाली चढ़ाई आएगी। ठीक है, और वहाँ पर एक पोलो ग्राउंड भी है, वहाँ पर शायद अभी भी खेल रहे होंगे पोलो, वहाँ पर भी जाएंगे। अच्छा, तो यार यहाँ पर मैं जैसे पहुँचा ना ऊपर टॉप पे, तो यहाँ पर मेरे एक दोस्त का दुकान भी है, तो वहाँ पे उसके पास जाते हैं पहले, उससे थोड़ी गपशप करते हैं। ये सामने इसका अपना बिजनेस है। ठीक है, ये पता नहीं है कि नहीं, अभी इधर नहीं बैठा हुआ। ठीक है, ये इसका अपना बिजनेस है, अभी पता नहीं किधर गया होगा। अच्छा, मैं ये कब से वेट कर रहा हूँ, ये साहब अभी आ रहे हैं। ये देखे, देखो मला इधर आओ, इधर मैं कब से वेट कर रहा हूँ, किधर गया हुआ था वो साहब, देखो वो उधर छुपा, इधर आओ। सुन मैं वीडियो चुन दिखाऊंगा क्या था से मैं तो था, ये अभी ऊपर भी नहीं आ रहा, ये कह रहा है मैं मुझे वीडियो में नहीं लाओ। ओले दिखो ले, हाँ गा से सुना। ये साहब ये दुकान इधर खाली ऐसी छोड़ के पता नहीं किधर गया हो, तब भी आया उस वाली साइड से। इधर चोरी शोरी का सीन नहीं होता? हाँ, इधर पिंडी कहीं पे इस तरह खाली दुकान छोड़ के चले जाना, दुकान से आपको सिर्फ दुकान ही मिलेगा, फिर और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इसीलिए छोड़ के गया ना। ये कमर जोन से अपनी गाड़ी लेकर आए क्योंकि वो कह रहे हैं कि इधर पैदल जाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी पैदल ही जाएंगे, गाड़ी में जाते ही बहुत दूर है, वो भी ना मैंने जैसा आपको पहले बताया 1-1.5 घंटा लगेगा इस वजह से। ठीक हो, इस टाइम मौजूद हूँ यार खपलू के प्लो ग्राउंड में। ठीक है,
यहाँ पर रोज़ाना अक्सर शाम को पोलो मैच खेलते हैं, लेकिन इस टाइम पर धूप है तो नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, कितने बजे तक खेलते हैं? दिन 4 बजे तक मैच खेलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये खपलू का पोलो ग्राउंड है। ठीक है, और अभी हमने आगे यहाँ से जाना है ऊपर। ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये खपलू फोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने जाना है अभी। ठीक, माशाल्लाह अभी पहुंचे हैं यहाँ पर खपलू फोर्ट पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ता इधर का। ठीक है, और अगर आप यहाँ से आगे को निकल जाते हैं तो आप पहुँचेंगे चकचन पे। चकचन पहुँचते हैं इधर से, हाँ थोक्सिकर, सॉरी, इधर से अगर आप जाएंगे तो थोक्सिकर पहुँचेंगे। लेकिन ये जो आप सामने गली देख रहे हैं, इस साइड से हम आए थे। ठीक है, तो ये सामने से जो गली है, यहाँ पर फोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं। ठीक है, सारे यहाँ पर आते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी भी आए हुए हैं काफ़ी लोग। जैसे मैं खपलू फोर्ट के अंदर इंटर हुआ तो माइक जोन सा मेरा था वो बंद हुआ हुआ था, मुझे पता ही नहीं था, मैं बोल ही जा रहा था। फिर यहाँ पे हमें सबसे पहले ये बंदूकें, राइफल्स देखने को मिली। बहुत पुरानी राइफल्स थी, 300 पता नहीं 400 साल पुरानी राइफल्स थी। शीशा लगा हुआ था तो इसको हम हाथ नहीं लगा सकते थे। उसके बाद जोन से हम दूसरे रूम में गए, वहाँ पे एक गोल मतलब चौक सा बना हुआ था, उधर से तीन चार किस्म के रास्ते थे। ठीक है, तो घूम के फिर इसी जगह पे हमने पहुंचना था, लेकिन सबसे पहले वहाँ पे एक बहुत पुरानी चीज़ देखने को मिली। इसमें पहले पुराने ज़माने में लस्सी निकाला करते थे, ठीक है, दारबा निकाला करते थे हमारी ज़ुबान में, और उसके साथ ही एक पुराने ज़माने की वो पड़ी हुई थी जिसको कहते हैं, जिसमें नाप तोल करते हैं, ठीक है, वो पड़ी हुई थी। और साथ ही इसमें मिक्सर मशीन भी था, मिक्स कोई चीज़ मिक्स करनी हो। और फिर हम आगे चले गए, उसके बाद बहुत सारे रूम्स थे तो हमें मतलब कुछ समझ नहीं लगता था हम कौन से रूम में गए कौन से रूम में नहीं गए। और फिर यहाँ पर एक और रूम में पहुँच के यहाँ पर हमें इतनी पुरानी, बहुत पुरानी जो बर्तन है वो देखने को मिली, और एक बहुत ही पुरानी थर्मस जोन सा वो भी था वहाँ पे, शीशे में बंद किया हुआ था। और इसमें पुराने ज़माने में चाय डाल के गर्म रखने के लिए इसमें चाय डाल के रखते थे। तो और ये देख सकते हैं बहुत सारे पुराने बर्तन हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक रोशनदान भी था, हर रूम में रोशनदान लाजमी था क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था, तो इस वजह से रोशनदान उन लोगों ने हर रूम में लगाया हुआ था। और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इसमें मतलब पुराने ज़माने में आटा रखा करते थे इस चीज़ में। और उसके बाद हम पहुंच गए जी महारानी के रूम में, उसके ये ड्रेसिंग रूम थी। यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ही पुरानी, उसके शूज़ पड़े हुए थे, टोपी पड़ी थी, उसकी जेवरात पड़े हुए थे सारे, बहुत ही आप देख सकते हैं बहुत ही पुरानी, शीशे में इस वजह से बन गया था कि यहाँ पर मतलब जंग शंग ना लगे, कोई मिट्टी शिट्टी ना हो। तो आप ये देख सकते हैं कपड़े भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि हर जगह पे ना खुफिया रास्ते बनाए हुए थे ताकि कोई इमरजेंसी हो तो ये रास्ते इस्तेमाल करते थे वो, ये खुफिया रास्ते हैं। और आगे भी आपको ऐसी मतलब बहुत सारी खुफिया रास्ते देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसे ये जो देख रहे हैं इनमें पता नहीं, शायद ये भी एक खुफिया रास्ता, यहाँ से भी मतलब अंडरग्राउंड चले जाते थे कोई मसला होता था तो। और यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, ट्रिप आई हुई थी उन लोगों की घूमने फिरने, तो ये बच्चा अकेला घूम रहा था इधर, तो मैंने इससे पूछा अकेला इधर किधर घूम रहे हो, अगर गुम हो गए तो वो कह रहा था कि हम इधर पहले भी आए हैं तो हमें इधर का सारा रास्ते पता है। तो सारे एंजॉय कर रहे थे इधर यार, काफ़ी लोग आए हुए थे। और फिर हम किसी और रूम में चले गए, वहाँ पर खेती बाड़ी के सामान पड़े हुए थे। ठीक है, और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इससे मतलब भूसा जोन से वो करते थे, और ये जो नीचे जो चीज़ पड़ी हुई है इसको शुल बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान में, और ये बेलचे शेलचे सारे ये चीज़ें पड़ी हुई थी, और ये वो अनाज वो
जिससे छानते हैं, वो चीज़ें पड़ी थी। और ये इस तरह हर रूम में ना इस तरह के रोशनदान आपको देखने को मिलते थे। उसके बाद हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चले गए और यहाँ पर बहुत ही पुराने ज़माने की जो गिलासें, चम्मच हैं, जग्स हैं, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। किचन का मतलब सामान पड़ा हुआ था ऊपर, तो ये चीज़ें हमने देखी और हाथ नहीं लगा सकते थे इन चीज़ों को क्योंकि वो शीशे के अंदर थी। और ये जिससे ये भी एक किचन ही था, समझ लें, ये देख सकते हैं। और यहाँ से फिर एक बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आ रहा था, तो यहाँ पर हमने पिक्चर वीडियोस यहाँ पर निकाली, तो ये आप देख सकते हैं। और ये जहाँ पे सामने जो आपको दरख्त जो दिख रहे हैं, सब फ्रूट्स के दरख्त में चेरी, सेब, शतूत, बादाम, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम वहाँ से आगे वो जो ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से हम अंदर आए थे। और ये जब हम ऊपर वाले रूम में आए थे तो ये राजा और महारानी जो है इन दोनों का ड्रेस पड़े हुए थे, शीशे में बंद किया हुआ था, इसको भी हाथ नहीं लगा सकते थे। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस था, बहुत ही मतलब ये भी बहुत ही पुराना, मतलब 300-400 साल उससे या उससे भी पुराना होगा। और ये उनके जेवरात पड़े हुए थे, और ये जो चीज़ें इनमें जेवरात रखते थे, ये जो डब्बे देख रहे हैं ना आप, इनमें जेवरात रखते थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यार कितने साल है। और ये जो आपको चीज़ दिख रही है ना, ये कंघी है, वो जो लकड़ी की कंघी है ना, वो है ये। और फिर हम पुरानी सारी चीज़ें देखने के बाद हम चले नीचे को उतर गए। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं आबिशार छोटा सा, ये ऊपर चश्मे का पानी आ रहा है और ये सीधा जाता हुआ जो नीचे फ्रूट्स के दरख्त हैं उनको चला जाता है। यहाँ पर हम काफ़ी मतलब जो पुरानी चीज़ें देखने के बाद, यहाँ पर ये इनका रेस्टोरेंट है, ठीक है। और यहाँ से कुछ ऑर्डर शॉर्डर करना हो तो यहाँ से करते हैं। तो अभी इसके अंदर भी जाते हैं, यहाँ के मतलब कैसा है वो भी चेक करते हैं, ठीक है। तो सामने ये गली आ गई है, ठीक है। यहाँ से जाते हुए वो भाई से पूछा था पीछे, तो उसने कहा कि यहाँ पर जाके ऑर्डर करना होगा आपको, ठीक है। ये अभी दूसरी साइड पे आ गए, ठीक है। पहले पिछली वाली साइड पे थे, अभी आगे वाली साइड पे आ गए। तो यहाँ पर कोई अच्छी सी जगह पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे ये ठीक है, चलो यहाँ पे बैठ जाएं फिर। चलो ठीक है, भाई कह रहे हैं यहीं पे बैठना, तो यहीं पे बैठते हैं। और फिर यहाँ पर बैठने के बाद हमने चाय ऑर्डर किया क्योंकि मेन्यू जो सा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो और कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते थे। फिर मैंने चाय अपने आप को सर्व किया, लेकिन आधे से ज़्यादा चाय मेरा नीचे गिर गया क्योंकि मेरे से सर्व करना नहीं हो रहा था। तो यहाँ से बाहर जाने का, यहाँ से पहले आया था वहीं से ही बाहर जा रहा हूँ। दिन आजू बाजू पे हाँ अल्लाह हाफिज। हाँ तो यार कैसे लगा आपको, फिर लगा क्या नहीं कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी जाना तो आगे भी जाना था उधर चकचन पे, लेकिन वहाँ जाना नहीं हुआ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वहाँ पर भी चला जाऊँगा, ठीक है। सांस फूल रहा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वहाँ चला जाऊँगा। वो टॉप पर ना, टॉप पे वहाँ पे जो पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे एक खर है, क्या है वहाँ पे, हाँ थोक्सिखर, हाँ जिसे थोक्सिखर बोलते हैं, वो वहाँ पे टॉप पे है, ठीक है। उधर मैं आपको अभी दिखा भी नहीं सकता इधर से। तो वहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दूसरी दफ़ा जाऊँगा और दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।